हेलो दोस्तों, आज हम रसगुल्ले बनाना बता रहे हैं। ये घर पर ही बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में बिल्कुल बाजार के जैसे लगते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसको हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। मैंने फुल क्रीम वाला दूध लिया है, हमारा दूध भी गर्म हो गया अच्छे से। अब हम इसको साइड में निकाल कर रख देंगे। अब हमको दूध को फाड़ना है, इसका छेना बनाना है, तो मैंने 1 नींबू का रस निकाल के रख लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और रस को दूध में डाल देंगे और इसको अच्छे से फट जाएंगे। अगर आपका दूध नहीं फटता हो तो आप 1 नींबू का रस और डाल लें, कई बार दूध नहीं फटता है। अभी थोड़ी देर बाद में अच्छे से फट जाएगा, हम थोड़ा इसको चला देंगे। हमारा दूध अच्छे से फट गया है। अब हम एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, मैंने नीचे छलनी लगा ली है। अब सारा दूध फटा हुआ हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको ठंडे पानी से 2-3 बार धो लेंगे ताकि ये नींबू की खटाई होगी वो निकल जाएगी। हम अच्छे से इसको मसल मसल के थोड़ा धो लेंगे। हमने अच्छे से इसको छेने को धो लिया है। अब हम इस कपड़े को इकट्ठा करके लटका देंगे। हम थोड़ी देर के लिए इसको कहीं पर लटका देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। हमने छेने को निकाल लिया कपड़े में से, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसको अच्छे से मसल मसल के इसको चिकना सॉफ्ट बना लेंगे। जब तक इसमें घी नहीं निकल जाएगा, हम हथेली से इसको मसल मसल के सॉफ्ट बना लेंगे। हम 5-7 मिनट तक इसको अच्छे से मसल मसल के सॉफ्ट बनाएंगे। हम इसको मसल मसल के ही सॉफ्ट बना रहे हैं। जितना अच्छा इसको मसलेंगे आप, सॉफ्ट बनाएंगे, उतने ही सॉफ्ट हमारे रसगुल्ले बनेंगे। हमने छेने को मसल मसल के अच्छे से सॉफ्ट बना लिए। अब हम इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर की डाल देंगे, इसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। इससे इसमें बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, जैसे ये बाजार के आते हैं वैसे ही लगेंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसके बिना बना सकते हैं, या फिर थोड़ी सी मैदा डाल सकते हैं आप 1 चम्मच इसमें। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसका सॉफ्ट डो बन गया है। अब हम छोटी छोटी लोइयां लेंगे, आप जितनी साइज के रसगुल्ले बनाएंगे उतनी साइज का हाथ में मिक्सचर ले लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसको गोल लड्डू के जैसे बना लेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बनाएंगे, एकदम गोल, इनमें एक भी क्रेक्स नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हमने 1 रसगुल्ला बना कर रख लिए, अब ऐसे ही हम दूसरा बना लेंगे। आप छोटे बड़े रसगुल्ले कैसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ही रसगुल्ले बना लेंगे। हम ऐसे सभी बना लेंगे। हमने सभी छेनों की बोल बना के रख ली हैं। अब हम इसमें चाशनी बनाते हैं, तो मैंने 300 ग्राम चीनी ली है। अब हम इसमें 2 कटोरी पानी के डाल देंगे, 1 कटोरी हमने चीनी के लिए, तो हम इसमें 2 कटोरी डाल देंगे। हमारी चीनी मेल्ट हो गई है, सिर्फ हमें मेल्ट ही करना है इसको और फुल गैस को रखेंगे हम। अब हम इसमें रसगुल्ले डाल देंगे, पकने के लिए डाल देंगे। अब हम इनको 15 मिनट पकाएंगे, आप बिना ढके भी पका सकते हैं इनको। गैस को हम फुल फ्लेम पे रखेंगे। इन रसगुल्ले को बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप घर पर भी बहुत ही आसानी से रसगुल्ले बनाकर खा सकते हैं। अब हम इनको पकने देते हैं। हमारे रसगुल्ले पकने लग गए हैं, ये थोड़े फूल भी गए हैं। अब हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इनको घुमा सकते हैं, दूसरी तरफ से भी पलट देंगे। वैसे तो ये चाशनी में खुद ही घूम जाते हैं धीरे धीरे, आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इनको पलट सकते हैं।
हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पलटेंगे क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। हमारे रसगुल्ले अच्छे से पक रहे हैं, ये हमने इनको ढका नहीं है, बिना ढके पकाए हम। हमने रसगुल्लों को 15 मिनट पका लिए, हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारी चाशनी भी थोड़ी टाइट हो गई है, ठंडा होने के बाद में हम निकाल लेंगे इनको। हमारी बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले तैयार हैं। आप इस रेसिपी से ये रसगुल्ले ज़रूर बनाइए।